हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी मोटिवेशन। किसान की पोटली। गुरु राम स्वरूप जी अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए भिक्षा टन पर निकले थे। वह अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांग कर ही किया करते थे। जब वह एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर जा रहे थे, रास्ते में खेत बधार मिलने लगे। किसी खेत में हरी भरी फसल खड़ी तो कोई खेत बंजर नजर आ रहा था। ऐसे ही एक बंजर खेत पर किसान कुछ बुवाई करने के लिए खेत को जोत रहा था। वहीं पेड़ के नीचे उसने अपना सारा सामान पोटली आदि रखा हुआ था। गुरु राम स्वरूप जी के शिष्य में एक शिष्य शरारती था। वह शरारती स्वभाव के कारण किसान की रखी हुई पोटली उठा लाया। गुरु राम स्वरूप जी को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके शिष्य ने कुछ शरारत किया है, गुरु ने शिष्य को समझाया, पुत्र इस प्रकार तुम उस गरीब की पोटली चुरा कर उसे कष्ट दे रहे हो, यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम उस किसान को दुखी करके अपनी ईश्वर को दुखी करोगे। तुम जो पैसा भिक्षा में मिलनी है उसे ले जाकर उसी स्थान पर पोटली सहित रख दो और फिर किसान का भाव देखो। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह पोटली और पोटली के नीचे भिक्षा में मिले हुए पैसे रख आता है। गरीब किसान काफ़ी दिनों से परेशान था। उसके घर में उसकी माता की तबीयत खराब थी, दवाई के लिए कुछ प्रबंध नहीं हो पा रहा था। जब किसान खेत का काम निपटा कर बैठा और उसने अपनी पोटली उठाकर देखी तो उसके नीचे कुछ पैसे थे। उसने इधर उधर देखा किंतु कोई नज़र नहीं आया। किसान पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और ऊपर दोनों हाथ करके ईश्वर को धन्यवाद करता रहा। संभवतः उसके माता पिता के लिए दवाई का प्रबंध हो गया था। वह खुशी से आंसू बहाता और दोनों हाथ से पोछता जाता। यह सभी दृश्य गुरु राम स्वरूप और उनके शिष्य छुपकर देख रहे थे। कहानी से सीख, किसी भी व्यक्ति को दुखी करने के बजाय अगर खुश करने की कोशिश की जाए तो वह खुशियाँ दुगनी हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।